पूरा देश सवाल कर रहा है, पूरी दुनिया सवाल कर रही है कि जब फर्जी आधार कार्ड बनाए और आपने सचिन के रिश्तेदारों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और शायद उनकी अभी तक जमानत नहीं हुई, तो उस केस में सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया आपने? क्यों उसको इन्वॉल्व नहीं किया? फर्जी आधार कार्ड बनाना 420, 467, 468, 478 आईपीसी का अपराध बनता है, जो कि नॉन बेलेबल है और 7 साल की तक की सजा का प्रोविजन है। तो 120 बी में सचिन को क्यों नहीं मुलजिम बनाया गया उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा? मेरा ये सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से, क्वेश्चन मार्क के साथ सवाल है कि सचिन को उसमें मुलजिम क्यों नहीं बनाया उस मुकदमे के अंदर? और किसकी सलाह पे ये आधार कार्ड बनाए? क्या एपी सिंह ने ऐसी सलाह दी थी, या किसने गाइड किया था, या किसने सचिन की मदद की उन फर्जी आधार कार्ड को बनाने में? डॉक्टर एपी सिंह से क्यों पूछताछ नहीं हुई? ये जो फर्जी आधार कार्ड बने, जिनके बिहाफ पे सीमा हैदर ने भारत में बस ड्राइवर को, सुरक्षा कर्मियों को और सब लोगों को दिखा करके भारत में इलीगल एंट्री करी। कल को तो जो बहुत सारे आतंकवादी भी फर्जी आधार कार्ड बना के भारत में आ जाएंगे, कौन जिम्मेदार है उसका? भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए तो ये बहुत बड़ा खतरा है, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कल को कोई भी इंसान नेपाल के रास्ते से आधार कार्ड फर्जी बनवाएगा, सचिन जैसा कोई आदमी, और वो भारत में आएंगे और भारत में आके कहीं भी विस्फोट कर देंगे, कहीं भी बम फोड़ देंगे, कहीं भी हमारी फौज के ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं भी हमारे भारतीयों के ऊपर अटैक कर देंगे, कहीं भी होटल पे जाके अटैक कर देंगे, तो उसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये सवाल पूछता हूं, कौन जिम्मेदार है उस वक्त? सचिन को उस मामले में अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए था। सीमा हैदर को क्यों उस मामले में मुलजिम नहीं बनाया गया? उसको भी उस मामले में मुलजिम बनाना चाहिए था, ताकि पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ये मैसेज दिया जाता कि कोई भी व्यक्ति अगर अगर उत्तर प्रदेश की सीमा के माध्यम से, भारत की सीमा के माध्यम से, नेपाल की सीमा के माध्यम से उत्तर प्रदेश में एंट्री करेगा और गलत आधार कार्ड बनाएगा, गलत फर्जी डॉक्यूमेंट का प्रयोग करेगा, तो उसको हम ऐसी बड़ी सजा देंगे, उसके खिलाफ ऐसी सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज करेंगे और उसको जेल में पहुंचाने का काम करेंगे। क्यों नहीं ये मैसेज दिया गया? ये मुझे इस बात का सवाल चाहिए। इसका मतलब तो पुलिस जो है वो सीमा हैदर को इग्नोर कर रही है, पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही। भाई आधार कार्ड वाले मामले में जो ये फर्जी आधार कार्ड बनाए गए, इसके अंदर सीमा हैदर मुलजिम क्यों नहीं है? मेरा सवाल है ये उत्तर प्रदेश पुलिस से, प्रशासन से, के मोमिन मलिक नहीं, भारत का बच्चा बच्चा पूछता है उत्तर प्रदेश पुलिस से कि सीमा हैदर ने जो आधार कार्ड का फर्जी जो बने, उसके अंदर सीमा हैदर कहीं तो बना होगा, ये वो मोमिन मलिक का बना आधार कार्ड किसका बना है? सीमा हैदर का ही बना है, गुलाम हैदर का नहीं बना। तो सीमा हैदर का जब फर्जी आधार कार्ड बना, उसके अंदर सीमा हैदर को उस केस में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया गया? उस पे 420, 467 क्यों नहीं लगाई गई? और वो दो लड़के जेल के अंदर, सीमा को क्यों उस मामले में जो अलग से एफआईआर होनी चाहिए, तुमने करी या नहीं करी, उसका अलग से एफआईआर अगर है तो 120 बी में सीमा हैदर को क्यों नहीं अरेस्ट किया? सचिन मीना को क्यों नहीं अरेस्ट किया? डॉक्टर एपी सिंह से क्यों पूछताछ नहीं की? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारी सलाह सचिन को, जो गलत सलाह है, वो सारी सलाह जो है वो उसके मुंह बोले भैया द्वारा दी गई है, भारत में गलत तरीके से एंट्री करने के लिए, फर्जी कागजात बनाने के लिए, फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए। कितना बड़ा खेला हो रहा है भाई, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सब देख रहे हैं, लाखों लाखों की संख्या में उसके चैनल को देख रहे हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं। सरकार के बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो आंखों पे पट्टी बांधे बैठे हैं, क्यों भाई? रिश्तेदार है सीमा तुम्हारी, तुम्हारी साली लगती है क्या? तुम्हारी
तुम्हें देश की चिंता नहीं है, तुम्हें देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता नहीं है, तुम्हें भारत की बाहरी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी की चिंता नहीं है तुम्हें, क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया? जब फर्जी आधार कार्ड बनाए गए थे तो सीमा यादव और सचिन को क्यों इन्वॉल्व नहीं किया गया? डॉक्टर एपी सिंह से पूछताछ क्यों नहीं की गई कि कहीं उसने तो सलाह देकर यह काम नहीं कराया? कौन जिम्मेदार है? भारत के संविधान के अकॉर्डिंग, भारत की सरकार के नियम और कायदे के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक आधार कार्ड जो है वो हमारा पहचान पत्र है कि हम भारतीय हैं, हमारा भारतीय होने का सबसे बड़ा सबूत है। पासपोर्ट भी बाद में बनता है, सबसे पहले हमारा आधार कार्ड है जो हमारे को शो करता है कि हमने भारत की भूमि में जन्म लिया है और हम भारत के नागरिक हैं और भारत देश हमारा देश है, हमारा मुल्क है। एक वो आधार कार्ड ही तो है सबसे बड़ी चीज, और वही फर्जी बना रहे हो। एक पाकिस्तान की आई भी अवैध इलीगल भगोड़ी, इलीगल ट्रेसपास लेडी आधार कार्ड जो ना नकली बना रही है हमारे भारत के अंदर, और भारत की सीमाओं को ऐसे क्रॉस रही है जैसे वो पार्क में घूमने गई हुई हो, और सब लोग कान दबा के बैठे हुए हैं। और उन बेशर्मों को देखो, उन लुच्चे लफंगों को देखो, उन गंदे लोगों को देखो जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। एक पाकिस्तान की आएगी इलीगल लेडी को जो झूठ बोल के कि मैं भारतीय हूं और फर्जी आधार कार्ड का प्रयोग करके फर्जी आधार कार्ड बनवाए, फर्जी पहचान पत्र बनवाए और भारत में आई, नेपाल के कानून तोड़ के आई, नेपाल का वीजा का कानून तोड़ के आई, बच्चों को किडनैप करवाया गया, सच वहां से किडनैप करा के बच्चों को लाया गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई, गुलाम हैदर के घर को बेचा गया, उसके बर्तनों तक को बेच दिया, उसके सारे सामान को बेच दिया, उसकी पीठ में छुरा घोंपा गया, बिना तलाक के धोखाधड़ी करके, ना केवल अपने पति के साथ धोखा, अपने परिवार के साथ धोखा, अपनी बहन के साथ धोखा, अपने सगे भाई के साथ धोखा, अपने गांव वालों के साथ धोखा, अपने रिश्तेदारों के साथ धोखा, अपने मुल्क से धोखा करके आई, और भारत में एंट्री करने से पहले झूठ की दुकान बनानी शुरू कर दी कि मैं भारतीय हूं। अबे भारतीय, तू भारतीय कहां से होगी ये बता दे मेरे को, मेरे को एक बात का जवाब दे, तू भारतीय है कहां, मुझे इस बात का जवाब दे दे, बता दे किस एंगल से तू भारतीय है। तू तो भारतीयों की नकल भी नहीं उतार सकती, भारतीय होना तो बहुत दूर की बात है, भारतीयों के संस्कार की तू नकल भी नहीं उतार सकती भाई, उनकी एक्टिंग भी नहीं सकती तू, तू कहां से भारतीय होगी? और अब आज क्या हुआ, आज अपने भैया को लेकर सुप्रीम कोर्ट का वकील, माननीय सुप्रीम कोर्ट का वकील, जो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का वकील कहता है, मेरे पास महाराष्ट्र के मुकदमे, मेरे पास बंगाल के मुकदमे, मेरे पास फला के मुकदमे, और दुनिया में सबसे बड़ा वकील अपने आप को समझता था, और ये समझता था इससे बड़ा वकील दुनिया में भारत में है ही नहीं, यही है बच्चों कुछ, जहां इंटरनेशनल मामला हो, जहां मीडिया का कोई केस आए, वहीं इसकी तस्वीर प्रकट हो जाए जैसे कोई देवता प्रकट हो गया हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर वो मामला हो, 2000 किलोमीटर मामला हो, ऐसे प्रकट हो जाएगा मीडिया के कैमरों के सामने जैसे धरती में से अभी प्रकट हुआ है, अभी अवतार लिया है इस बंदे ने, और यही वकील है। आज वो जेवर कोर्ट में आने पर, जो हमारी इलाका मजिस्ट्रेट है, जो हमारे वहां आने पर मजबूर हो गया है। किसने मजबूर किया? मोमिन मलिक ने मजबूर किया, भारत की जनता ने मजबूर किया, भारत की बहनों ने मजबूर किया, भारत की बेटियों ने मजबूर किया, भारत के हर उस वासिंदे ने मजबूर किया जो भारतीय है, जो इंसानियत को समझता है, जो गलत को गलत समझता है, जो ठीक को ठीक समझता है, जो हक की बात उठाता है, जो अपने अधिकार की बात को उठाता है, जो गलत और ठीक में फर्क समझ के अपनी आवाज को बुलंद करता है, हर उस भारतीय ने इसको मजबूर किया है, हर उस भारतीय ने